दिल्ली के अशोक मीट वाला का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिसके कीमे वाले मटन के सभी दीवाने हैं। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे यहाँ पे देसी घी में कीमे वाला मटन तैयार किया जाता है। सो कैसे होने वाली इसकी यूनिक मेकिंग और क्या है इसका टेस्ट, चलिए देखते हैं। ये अब आपके सामने दूसरा पतीला आ गया, ये अब ये दूसरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो पतीला खाली होगा, हटेगा, तीसरा पतीला आ जाएगा। तो यहाँ पे डल गया ग्रेवी में कीमा। ये कीमा क्यों डाला जाता है ग्रेवी में? क्योंकि ग्रेवी होता है ना मैम, सारे हमारा ग्रेवी जो हर कीमे का होता है, को भून भून के वो इतनी थिक ग्रेवी तैयार करी। हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये अपना खुद का बना मसाला होता है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाया जाएगा। सो अब इसमें मटन के पीसेस डालने जा रहे हैं। कितने केजी जा रहा होगा मटन इसमें? इसमें चला गया होगा मैम 8 से 9 किलो। क्वालिटी नंबर 1, यहाँ पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं बस अब इसको उबाला देते ही हम इसको बंद कर देंगे। उसके बाद जब जैसे शाम का काम 6 बजे शुरू होगा, तब इसको आधा घंटा पहले दोबारा से रोस्ट करना शुरू करें। बस इसको बॉयल होने का वेट करो, बॉयल होने के बाद हम इसको बंद कर दें। हाँ, प्रॉपर उबाल आ गया इसके अंदर। हमें टाइम रेशो पता है ना कि कितना टाइम लेगा, उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो सर ये एक दिन में कितनी बार? 4 बार, 3 से 4 बार। चिकन नहीं है जो आधे घंटे में बन गया, मटन को बॉयल करते हैं, बॉयल करके उसको रख देते हैं, ग्रेवी तैयार होती है उसमें डालते हैं और दे देते हैं। हम वो काम नहीं करते जो पीस जैसे हमारे सॉलिड होते हैं, जैसे फॉर सपोज सीने का पीस हो गया जिसको गलने में टाइम लगता है, वो हम स्टार्टिंग में इसके साथ ही डाल देते हैं कीमे में, ताकि एंड तक ये भी पक जाए। ये पीसेज होते हैं, ये थोड़े से टाइट होते हैं, इनको हम पहले ही डाल देते हैं ताकि ये टाइमली पक जाए। लोग क्या करते हैं, इसको बॉयल करके रख देते हैं, पीसेज निकालते हैं, ग्रेवी में डालते हैं या थोड़ा सा पका के दे देते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं। जो एक मटन को प्रॉपर तरीके से ग्रेवी के साथ भुना जाता है उसका फ्लेवर ही अलग आता है। ये हमारा खुद पिसवाते हैं हम मसाला। अभी कीमा भुना जा रहा है। हर चीज़ तैयार करने का एक प्रॉपर चैनल है, ये नहीं कि मीट भी डाल दिया, कीमा भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया, ऐसे नहीं। वेनसडे, फ्राइडे, संडे शाम को आके देखना 8:30 के बाद, आपको यहाँ पे एक अलग ही नज़ारा मिलेगा। आप पेड़ा देखो ना, कितना छोटा सा पेड़ा है। इस रोटी को देख के दिल करता है खाने का। हमारा मैदा नहीं है, प्योर आटा है। हमारा आटा प्योर और सिर्फ रिफाइंड में गूंदा जाता है। मटन कीमा मैम, जो हमारा स्पेशल होता है। सो मैं आई हूँ अशोक मीट वाला पे, और यहाँ पे देसी घी से बना हुआ मटन मिलता है और चिकन मिलता है। यहाँ पे जो मैं टेस्ट करने जा रही हूँ ना, वो है हमारा मटन कोरमा। देख सकते हो यार, मटन की ग्रेवी इसकी बहुत ज्यादा मजेदार है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तेल नहीं है, ये सारा का सारा है प्योर देसी घी। सो देसी घी में यहाँ पे ये बनाया जाता है। ये आ गया हमारा मटन, ये हमारे मटन की ग्रेवी, और साथ में जो मुझे मिला है ना, वो मुझे मिला है ये अनियन सैलेड। ये मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही हूँ। ये रहा हमारा अनियन सैलेड, और इसको सबसे अच्छा लगा ना मुझे वहाँ, यहाँ पे ना तंदूर की रोटियाँ इस साइज की हैं। तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ उसका टेस्ट कैसा होने वाला है। सर, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जितना मटन कोरमा खाया ना, उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा। मुझे इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी, मटन बहुत अच्छे से पका हुआ है, घी का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि मीडियम स्पाइसी है। मटन कोरमा हमेशा मुझे ओवर स्पाइसी मिला है, सो मीडियम स्पाइसी है। लोकेशन डेरावाल नगर, ऑपोजिट गुजरावाला टाउन, नियर मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन। और टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग में 12:30 से शाम के 4:30, शाम को 6:30 से रात को 11:00। मैं यहाँ पे अपना मटन कोरमा इंजॉय करती हूँ अपनी टीम के साथ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहना, मेरी तरह खाते रहिए।